3, 2, 1. बाहुबली बिल्डर्स व लहरों की बरखा के संचालक सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ पीड़िता मिली एसपी से। 8 साल से शादी का झांसा देकर देश शोषण और ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची एक पीड़िता ने श्रीनगर रोड स्थित बाहुबली बिल्डर्स व लहरों की बरखा के संचालक सूर्य प्रताप सिंह पर शादी का झांसा देकर 8 साल से देश शोषण और ब्लैकमेल करने का मुकदमा रामगंज थाने में दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज पुलिस अधीक्षक से मिलकर फरियाद की। पीड़िता ने बताया कि सूर्य प्रताप सिंह की पूर्व में शादी हो चुकी है, एक पत्नी को वह छोड़ चुका है जबकि दूसरी उसके साथ है और तीसरी वह खुद, उसे भी उसने 8 साल से शादी का झांसा देकर रख रखा है लेकिन शादी नहीं की। आखिर उसने 17 जुलाई को रामगंज थाने में सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उसके पास सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ पर्याप्त वीडियो और फोटो सबूत के तौर पर मौजूद है लेकिन पुलिस उसे नहीं ले रही, ना ही उसे गिरफ्तार कर रही है। इसलिए आज पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है और उसे सजा दिलाने की मांग की है। सर, मामला तो ये है कि 8 साल से मेरा सूर्य प्रताप के साथ अफेयर चल रहा था। अफेयर ये मदार का रहने वाला है, टेम्पो स्टैंड का, इसका ऑफिस है लहरों की बरखा श्रीनगर रोड पे। ये 8 साल से इसकी एक पहले वाइफ थी, उसको उसने छोड़ दिया। सेकंड वाइफ थी, उसको भी लीगल रख रखा है मेरी तरह, उसको भी उससे कोई शादी वादी नहीं करी है सर, उससे एक औलाद पैदा कर ली। तीसरी मैं मिली इसको फेसबुक पे 2014 के अंदर, मैं भी पहले मैरिड हो चुकी थी लेकिन बट इसके बाद इसने मेरे को वहाँ से बुला लिया। मेरी 9 महीने की बेटी थी, इसने उसको भी छुड़वा दिया कि तू वहाँ नहीं रहेगी, मैं तेरे को सब मकान सब कुछ दूंगा। 8 साल तक इसने बंदे ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, 8 साल से झूठ बोल के मेरे साथ यूज़ किया है। होटल में लेके जाता था, नशे की दारू दवाइयाँ मिला के नशे की दारू पिलाता। नशे के बाद मेरे को उसने गंदे वीडियोज़ बना रखे जिसके अंदर मैं खुद नशे में पड़ी हुई हूँ और इसकी वीडियो देखना, खुद कैमरा सेट कर रहा, सब कुछ कर रहा। उसके खिलाफ मेरे पास सारे सबूत हैं, सारी रिकॉर्डिंग है, फोटोज है, मेरे पास क्या नहीं है उसके खिलाफ। फिर मैंने एफआईआर दर्ज कराई रामगंज थाने में जाके, रामगंज थाने वालों ने एफआईआर दर्ज कर ली, सब कुछ कर लिया, मुकदमा दर्ज कर लिया। मैं अपने बयान देखे आई हूँ, मेडिकल करवा के आई हूँ, मैंने सब कुछ करवाया उसके खिलाफ लेकिन अभी तक सोमवार को मैंने बयान दिए वहाँ पर, उसके बाद सर बोलते मेरे को आज 4 दिन से उसको बिल्कुल पकड़ा नहीं है। 4 दिन से मैं वहाँ जाके आई हूँ, सर ने आज मेरे को बुलाया, सीआई सर के पास गई मैं, मैंने सर आपने उसको पकड़ा क्यों नहीं। मैंने फ़ोन भी करा कि बेटा उसकी अभी है ना कॉपी नहीं आई बयान की, मैंने सर सेम डे कॉपी आ जाती है, आप कैसे कह रहे हो कि कॉपी नहीं आई बयान की, ये बताओ जब कॉपी आ चुकी है तुम किस बात से उसको पकड़ नहीं रहो। मेरे से बोलते हैं कि है ना वहाँ पर है ना वो है ना है नहीं अजमेर के अंदर, और वो अगला सूर्य प्रताप सिंह मेरे को है ना मैसेज कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, कह रहा है कि तू बाहर आके मकान ले ले, 20 लाख रुपए ले ले, सेटलमेंट कर ले तू सब कुछ और इस केस को ख़त्म कर। वो मेरे को धमकी देता है कि तू केस वापस लेके तो मैं जान से मार दूंगा, लेकिन पुलिस वालों को इतना भी नहीं है कि आज मैं बाहर घूमती कल को मेरे को कुछ होता है तो पुलिस वाले उसको पकड़ क्यों नहीं रहे, मुझे आप ये बताओ पहले। बिल्कुल 3 अबॉर्शन कराए इसने, 16 मार्च को मेरा अबॉर्शन कराया इसी साल के अंदर, ये अबॉर्शन इसने मेरे को टैबलेट्स वगैरह देके, पिल्स वगैरह देके इसे अबॉर्शन कराया। इससे पहले जो अबॉर्शन कराया था वो आदर्श नगर के अंदर कराया था, उससे पहले जो अबॉर्शन कराया था उसने वो पिल्स देके कराया था मेरे, और जो भी इसके आज तक वीडियो है मेरे पास 100 वीडियो, करीब 3000 फोटो कुछ ऐसे हैं इसके जो इसके खिलाफ हैं। मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने 8 साल इस पर विश्वास करके इसके साथ में रही, इसने बोला तू मेरी वाइफ है, तू मेरा सब कुछ है, तो 8 साल मैंने इसको सब कुछ दिया, 8 साल तक मैंने क्या नहीं दिया। आज मैं यदि प्यार नहीं करती, कुछ नहीं करती तो उसके बच्चे भी मैं पेट के अंदर नहीं रखती। मैं इसे यही चाहती हूँ कि तू मेरे से शादी करे तो ठीक है, नहीं तो मेरे फ्यूचर के लिए ऐसा कुछ करके दे जिससे मेरा फ्यूचर बने, फिर लाइफ के अंदर तू और मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। ये टैटू का क्या है? इसका मेरा नाम लिखवाया, इसका बाहुबली नाम बिल्डर्स के नाम से है ना, क्या कहते हैं श्रीनगर रोड पे ऑफिस बना हुआ है लहरों की बरखा, उसने मेरा नाम लिखवाया बाहुबली के नाम से।
इसका सूर्य प्रताप नाम है, मैंने सूर्य बनवाया, इसके लिए मैंने क्या नहीं करा। इस तक आज तक मेरे पूरे खानदान में सब कुछ पता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, लेकिन इसकी वाइफ को ही झूठ बोलता हुआ रहा है कि मेरी फ्रेंड है। इसके घर में कोई भी परेशानी होती मैं जाती थी वहाँ पर, मैंने इसको उसके घर वालों को समझाया, लेकिन आज उसकी वाइफ को फ़ोन कर रही है, उसके वाइफ का फ़ोन बंद आ रहा है। इसने मेरे को नसीराबाद के अंदर एक तरंग से फ्लैट दिलाया था, वो भी इसकी वाइफ के नाम पर फ्लैट है, मेरे नाम पर कोई फ्लैट व्लैट नहीं है। इसने बोला रिया तेरे को वहाँ सेटल कर दूंगा, मैंने कहा ठीक है। आज इसके घर में इसने 1 करोड़ का बंगला मदार के अंदर बना रखा है। अच्छा, इसने मेरे से झूठ बोला कि है ना तेरे को मेरे घर में इनॉग्रेशन है और है ना मैं तेरे से मिल नहीं सकता हूँ। मेरे को बाद में पता चला कि इसके घर के अंदर, इसने बोला शादी वादी है मेरे घर में तो मैं मिल नहीं सकता हूँ। इसको बाद में पता चला इसकी वाइफ से कि इसके घर में इनॉग्रेशन है। आज सर एक बताओ, उसको भी इसने 8 साल से रख रखा है, 8 साल से मेरे को भी रख रखा है। यदि तेरे को नहीं रखना था तो मेरे को सिर्फ यू कराया था थाने में आपने रामगंज में, मैंने 17 तारीख को कराया था। अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सर। तो ये बोलते मेरे को कि वो तो है नहीं अजमेर के अंदर। कहाँ पर आए, किनसे मिला है? मैं एसपी सर से आई थी मिलने के लिए, लेकिन सर 4 या 5 बजे से मैंने है नहीं, वो अभी शाम को मिलेंगे। तो मैं उनको पुलिस वालों को मैं प्रूफ दे रही हूँ। तो उच्च अधिकारियों से शिकायत करोगे क्या इस चीज़? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उसको है ना उसको पकड़ो, आज की तारीख में आप उसको पकड़ो, क्योंकि 4 दिन से इन्होंने मेरे को बहुत बेवकूफ बना रखा है। कुछ नहीं होगा, आप बताओ, मैं तो वही करने के लिए तैयार हूँ, जितना हो सकेगा मैं इसको गिरफ्तारी कराने के लिए पूरा कोशिश करूँगा। अभिनेत्री शैली शुक्ला और उनकी टीम ने की दरगाह ज्यारत। वेब सीरीज फिल्म की शूटिंग के लिए सिलसिले में शैली शुक्ला और लेखक राजेश बैरी टीम के साथ आए हुए हैं जोधपुर। टीवी आर्टिस्ट शैली शुक्ला और उनकी टीम ने सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी। राजस्थान यात्रा पर पहुंची टीम में मशहूर लेखक फिल्म सरबजीत की स्क्रिप्ट लिखने वाले राजेश बैरी व अन्य टीवी धारावाहिक से जुड़े लोग साथ में मौजूद रहे। ख्वाजा साहब के दरबार में खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने कलाकारों के साथ आए सभी लोगों को ज्यारत कराई। उन्होंने अकीदत के फूल और चादर पेश कर देश से कोरोना महामारी के खात्मे की दुआ मांगी। दरगाह ज्यारत के बाद अभिनेत्री शैली शुक्ला और लेखक राजेश बैरी ने बताया कि उनकी टीम जोधपुर वेब सीरीज फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आए हुए हैं। ऐसे में अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी की ख्वाहिश थी, वक्त मिलते ही ख्वाजा साहब के दरबार आ गए। फिल्म अभिनेता साहिल चड्डा व अन्य कलाकारों के साथ शैली शुक्ला की नई फिल्म की शूटिंग भी राजस्थान और मुंबई में होगी। इसके अलावा क्राइम पेट्रोल में शैली शुक्ला लगातार अभिनय करती आ रही हैं। राष्ट्रीय कवि राजेंद्र निगम राज और राज इंदु निगम राज भी उनके साथ मौजूद थे। आप ऑनलाइन जो है कवि सम्मेलन के अंदर ही हिस्सा लेते हैं, कहाँ कहाँ से लोग इसमें शरीक होते हैं? आज जब से कोरोना हुआ है तब से हम लोग ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। जैसे पहले हम लोग मंच के स्टेज पे जाते हैं और आजकल ऑनलाइन चल रहे हैं। हम लोग सब देश विदेश सब कहीं से जुड़ते हैं, इंटरनेशनल कवि सम्मेलन भी करते हैं हम लोग और यहाँ देश के तो करते ही हैं। और इससे पहले तो मंचों पर जाते थे, गीत गजलें वो लेके आते हैं, जो संदेश देती हैं, एक मजहबी मिलान करते हैं, समय एकजुट रहे हैं, मिलकर समाज के ऊपर, सरकार के ऊपर, हर तरीके के गीत गजल पढ़ते हैं, गाते हैं। सोफिया गर्ल्स कॉलेज में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए यूजी पीजी और सेमेस्टर एग्जाम शुरू। कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन की पालना के साथ 2 पारियों में आयोजित की जा रही है परीक्षाएं। जयपुर रोड स्थित सोफिया गर्ल्स कॉलेज में गुरुवार से फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए यूजी पीजी और सेमेस्टर एग्जाम प्रारंभ हो गए। कॉलेज प्रिंसिपल सिस्टर पारल ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल और सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग करने के बाद छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है। जगह जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पूरे परीक्षा हॉल को भी हर एक पारी के बाद सैनिटाइज कराया जा रहा है। इसके साथ ही स्टाफ को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देने के बाद ही अनुमति दी गई है। वहीं छात्राओं को भी वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। परीक्षा हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें छात्राओं के बीच उचित दूरी रखते हुए परीक्षा देने की व्यवस्था की गई है। 2 सप्ताह तक आयोजित होने वाली परीक्षाओं में आज पहले दिन BCA, BBA, BCOM और आर्ट्स ज्योग्राफी की परीक्षा आयोजित हुई। सुबह 9:30 बजे से 10:30 और दोपहर 12 से 1:30 बजे तक 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अ
आज सोफिया गर्ल्स कॉलेज में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए यूजी और पीजी के लिए एंड सेमेस्टर एग्जाम्स की शुरुआत की गई और पूरे प्रिकॉशंस के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हमने पहले कल प्रेपरेशन किया, पूरे क्लासरूम्स को सैनिटाइज किया, फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बहुत सारे रूम्स के अंदर बहुत अच्छी खुली वातावरण में हमने स्टूडेंट्स के लिए सीटिंग अरेंज किया गया है। गेट पर थर्मल स्कैनिंग किया गया है, सैनिटाइजर्स रखे गए थे अलग अलग जगहों पे ताकि बच्चे सैनिटाइजर्स यूज़ करके अंदर आए, और हमने स्टाफ को सबको उनसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लिया। हमने कॉलेज में दो कैंप्स भी कराए थे स्टाफ और स्टूडेंट्स और उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए, और हमने बच्चों से भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लिया है ताकि हमें पता चले कि बच्चे भी वैक्सीनेटेड हैं, उनको अवेयरनेस दिया गया कि वो वैक्सीनेशन लगवाएं उनकी सुरक्षा के लिए। और ये सारी तैयारी कर कर हमने बच्चों के लिए, उनके फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम्स शुरू किए हैं, और मैं यही चाहती हूँ कि बच्चों का फ्यूचर अच्छे से निकले, और इसीलिए हमने उनके लिए समय रहते उनके एग्ज़ाम शुरू करा दिए ताकि उनके रिजल्ट निकले होकर वो अपने आगे के लिए कहीं पर उनको पढ़ने जाना है वो जा सके। आज कौन से सब्जेक्ट का था एग्जाम? आज BCA, BBA, BCOM और आर्ट्स में ज्योग्राफी का पेपर था। अराउंड एक सेशन में अराउंड 250 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था। हमारे दो सेशंस चल रहे हैं, सुबह है सुबह 9 बजे से 10:30 बजे और दोपहर का सेशन है 12 बजे से 1:30 बजे का सेशन है। मैम कितने दिन तक चलेंगे? 2 हफ्तों तक एग्जाम्स चलेंगे। लोहागल स्थित अरावली नगर के क्षेत्रवासी सड़क की समस्या से हैं त्रस्त। 200 मीटर के टुकड़े में सड़क नहीं होने से कीचड़ और पानी के भराव के चलते हो रही हैं दुर्घटनाएं। लोहागल स्थित अरावली नगर के क्षेत्रवासी इन दिनों लगभग 200 मीटर के टुकड़े में सड़क नहीं होने के चलते कीचड़ और जल भराव की समस्या से खासे परेशान हैं, जिसके चलते कई लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। वहीं महिलाओं और बच्चों को इस गंदे कीचड़ के पानी में से निकल कर जाना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने अरावली नगर विकास समिति के बैनर तले आज जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग की है। अरावली नगर विकास समिति के अध्यक्ष छगन सिंह रावत, मनोज जयमन, रामनिवास चौधरी, सोहन चीता, राव सैनी, भगवान सिंह रावत आदि लोगों ने बताया कि सड़क न होने के चलते कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। आए दिन महिलाएं और बच्चे इसमें गिरकर जख्मी हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन को कई बार निवेदन करने के बावजूद कोई काम नहीं हो रहा। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द 150-200 मीटर के टुकड़े में सड़क का निर्माण कराकर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान की जाए, अन्यथा क्षेत्र के लोग उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। काफ़ी दिन से ये पानी भरा रहता है यहाँ पे, अभी बारिश तो आई नहीं है। बारिश के अंदर तो यहाँ से तैर के निकलना पड़ता है बड़े बुजुर्ग लेडीज़ वगैरह को। हम प्रशासन से यही आग्रह करते हैं कि ये सड़क बना दे, नालियाँ बना दे, ताकि क्या नाम रहे हमारे इनका आवागमन का साधन रहे। सब सर्विस क्लास और अच्छे अच्छे कॉलोनी बसी हुई है पीछे, लेकिन आज नरक जैसी स्थिति है यहाँ पर। हम लोग निकलते हैं तो नरक जैसी स्थिति है, और हमारे दिमाग में तो ऐसा आ गया कि आधे लोग तो कह रहे हैं मकान बेच के जाओ यहाँ से, और प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। हमने सरपंच को भी लेटर दे रखा है, सब MLA को भी लेटर दे रखा है, सब जगह लेटर दे रखा है। पिछले एक साल से हम मांग रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारी यही सुनवाई नहीं होती तो आगे किस तरीके से करेगा? बस अब हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया इसको फटाफट करके ये 200-300 मीटर का तो टुकड़ा बना दे, ताकि उससे हमारी आवागमन का साधन तो हो जाए। बिल्कुल रास्ता अवरुद्ध हो रखा, और कोई रास्ता है नहीं इसके अलावा, और इसके अलावा कोई क्या हमारे पास में और कोई रास्ता है नहीं। इस एक ही मुख्य सड़क है, और अगर ये नहीं होगा हमारे प्रशासन सुनेगा तो हम 150 कॉलोनी के इकट्ठे होकर के और कलेक्टर साहब के यहाँ धरना देंगे।
अरावली नगर का मुख्य मार्ग है और काफ़ी लोग परेशान होते हैं, कई बुजुर्ग गिर भी जाते हैं कई दफ़ा, कई दो तीन बुजुर्गों के तो चोटें भी आई है सर, एक के सर में लगी है, एक का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया हल्का सा। हम तो प्रशासन यही चाहते हैं कि बस हमारी सड़क बना दे, ज़्यादा नहीं है 100-150 फुट का मीटर का टुकड़ा है, ये टुकड़ा हम चाहते हैं कि भाई ये टुकड़े को बना देवे, दोनों तरफ नाली बना देवे, बस हमें कुछ नहीं है। कोई भी प्रशासन जैसे ग्राम पंचायत बनाना चाहे तो ग्राम पंचायत के अधीन है सर ये, और ग्राम पंचायत का रकबा है, ग्राम पंचायत की घनी आबादी है, और ये हम चाहते हैं ग्राम पंचायत से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि ग्राम पंचायत भी सड़क को बनावे। बाकी ग्राम पंचायत के अलावा जैसे एडीए भी सर यहाँ निर्माण करवा सकती है, क्योंकि हम एडीए के अधीन भी आते हैं, तो हम अजमेर विकास प्राधिकरण के वहाँ भी जाके आगे हमने प्रशासन को भी बोला है, हमने कलेक्टर महोदय को यहाँ भी दिए, और हमने अपने ग्राम पंचायत माकड़वाली जो ग्राम सेवक है उनको भी हमने दो तीन बार यहाँ से रूबरू कराए हैं, उन मौके पर मौका स्थिति देख के भी गए हैं। हम चाहते हैं कि सर ये हमारी सड़क बने, हमें और किसी से कोई लेना देना नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, हम ये चाहते हैं कि सर हमारे छोटा सा टुकड़ा है 150 मीटर का, वो 150 मीटर का टुकड़ा हमारा बना दे। बना इसका रोड सर कभी नहीं बना आज तक, तो हम ये चाहते हैं कि छोटा सा टुकड़ा है, ज़्यादा नहीं है, 100-150-200 मीटर जो भी हमारे को भाई जितना हमारे को राहत मिले बस। हम चाहते हैं कि कोरोना काल है, बजट नहीं है, ये हम ये सुन सुन के तब गए हैं सर कि कोरोना काल में बजट नहीं है, बजट नहीं है। हम ज़्यादा लंबा टुकड़ा नहीं मांग रहे सर, कि हमें नहीं कि 500 मीटर चाहिए 600 मीटर चाहिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ मात्र 200 मीटर का रोड है, ये 200 मीटर का जो कीचड़ हो रहा है ना सर, वही आप पूरा करवाते हुए। साहब ये जो हमारा लोहागल गांव है उसका एरिया है, जिसे हम अरावली नगर कॉलोनी के नाम से कहते हैं, अच्छे अच्छे मकान यहाँ बने हुए हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, वृद्ध आदमी भी रहते हैं, और जो इसका मुख्य मार्ग है जो आप ये देख रहे हैं ना यहाँ गंदगी है, ये पूरा मुख्य मार्ग है, ये एक ही रास्ता आने जाने का है, ऊपर घनी आबादी है, उसकी हाल आप ये देख रहे हैं कि आदमी आने जाने में गिरने की समस्या है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, आए दिन आदमी कोई बच्चा फिसल रहा है, कोई लेडीज़ फिसल रही है, कोई बुजुर्ग फिसल रहा है, मतलब यहाँ ये हाल है। इसकी नहीं तो कोई प्रशासन सूट ले रहा है, ना हमारा सरपंच जो सूट ले रहा है, कोई भी इसकी सूट नहीं ले रहा, हमारे जो उत्तर क्षेत्र में आता है हमारे हालत हो रही है रोड की, हालत तो बिल्कुल ये है कि मतलब खस्ता हालत है बिल्कुल, आप देख लो आपके सामने है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश में कैसी स्थिति है? ये बिना बारिश के ये हाल है, बारिश में तो ये हाल हो जाता है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है, और इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या चाहते हो आप लोग? हमें चाहते हैं हमारी तरफ ध्यान दे, थोड़ा प्रशासन ध्यान दे, आज हमारे नए सरपंच बना वो भी सिर्फ वोट लेने आ गए, उसके बाद कोई आगे नहीं जाता है, हमारे उत्तर क्षेत्र के देवनानी जी हमारे वो MLA साहब वो भी आगे नहीं देखते, हम चाहते हैं हमारी जल्दी जल्दी बातें सुने, उसका निवारण करें। वो नहीं यहाँ का सरपंच, सरपंच हमारे यहाँ के अभी कौन बने? पूजा गुजर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की बैनर तले बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन, मासिक वेतन समय पर देने में सातवें वेतन आयोग का लाभ देने की मांग। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत कर्मचारियों को महीने की 1 तारीख को मिलने वाला वेतन आज अगला महीना शुरू होने तक नहीं मिल पाई है, ऐसे में रोडवेज कर्मचारियों को अपना घर बार चलाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने राज्य सरकार से कर्मचारियों के हितार्थ समय पर वेतन देने की मांग को लेकर आज रोडवेज बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में मासिक वेतन व पेंशन हर माह की 1 तारीख को दी जाए, जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाए, जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए, 5 वर्ष में करीब 4,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभ एक मुश्त भुगतान किए जाएं, जैसी मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद सिंह निहाल के नेतृत्व में राजस्थान सरकार से अपील की है कि कर्मचारियों के हित को देखते हुए जल्द से जल्द मांगों को पूरा करें। राजस्थान रोडवेज में कर्मचारियों को हर माह 1 तारीख को मिलने वाला वेतन समय पर नहीं मिल रहा है। समय समय पर इस हेतु राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। इस माह में भी जो 1 जुलाई को कर्मचारियों को वेतन मिलने वाला था वो आज दिनांक तक नहीं मिला है। इससे कर्मचारियों में बहुत ही रोष है, क्योंकि कर्मचारियों के जो लोन हैं, जो बैंकों से लोन लिए हैं, उनकी किस्तें समय पर नहीं भर पा रहे हैं, इसके कारण उनको अतिरिक्त पेनल्टियां भरनी पड़ रही हैं, और साथ ही साथ जो सामान वो दुकानदार से लेते हैं, दुकानदारों को भी समय पर भुगतान नहीं किए जाने के कारण भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आज राजस्थान रोडवेज के मुख्यालय पर
सभी कर्मचारियों द्वारा विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया गया। हम निगम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि वे कर्मचारियों को देय वेतन पेंशन समय पर मिले ऐसी व्यवस्था करें। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी वर्षजन हैं, उनको भी वर्ष 2016 से उनके परिणामों के भुगतान बाकी हैं, जो भी उन्हें समय पर नहीं मिलने के कारण समाज में उन्हें अन्य अन्य प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बीमार होते हैं, उनको बीमारी के लिए पैसा चाहिए। अभी कोविड काल में कर्मचारियों को जो सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें अपने इलाज कराने के लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने प्रदेश स्तर पर एक कार्यक्रम लेने की योजना बनाई जा रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से भी निगम प्रबंधन को, राजस्थान सरकार को यह आग्रह करना चाहते हैं कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि हमारे कर्मचारियों को वेतन और पेंशन समय पर मिले और हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभ भी उन्हें धीरे धीरे भुगतान किए जाएं। आप ये देखें कि राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को आज दिनांक तक भी 7वें वेतन आयोग का जो लाभ नहीं मिला है, इसके विपरीत जितने भी विभाग है राजस्थान में, करीब करीब सभी विभागों में ये 7वें वेतन का लाभ कर्मचारियों को मिल चुका है। इसके साथ ही जो 7th पे कमीशन वालों को जो बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की दर से भुगतान हो चुका है, लेकिन जो 6ठे वेतन आयोग से वेतन ले रहे हैं उन कर्मचारियों के लिए भी अभी तक महंगाई भत्ते की घोषणा ना तो सरकार की तरफ से हुई है। इसलिए हम सभी कर्मचारी काफ़ी गुस्से में हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार को पुनः आग्रह करना चाहते हैं कि वे बढ़ी हुई महंगाई की दर, 6ठे वेतन से जो तनख्वाह ले रहे हैं कर्मचारी, उनके लिए भी डीए की घोषणा करें और राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ शीघ्र से शीघ्र प्रदान करें और सबसे पहले कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन पेंशन देना सुनिश्चित करें। मैं आनंद सिंह अयाल, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन। अगर नहीं मिलती है तो क्या चक्का जाम कराया जाएगा बस? राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के अपने कार्यक्रम में हम राष्ट्रहित, उद्योगित और श्रमिक हित में काम करते हैं। ऐसी परिस्थितियों के अंदर हम हमारे निगम हित को भी ध्यान में रखते हुए समस्त कर्मचारियों के परिलाभ उन्हें समय पर मिले, वेतन पेंशन समय पर मिले, इसके लिए हम प्रदेश स्तर पर हमारी संचालन समिति की बैठक लेकर के और हमारे कार्यक्रम तय करेंगे जिसकी हम आपको सूचना समय पर देंगे। नेशनल बैंक ने रोडवेज कर्मचारियों के नए खाते खोलने के लिए बस स्टैंड पर लगाया कैंप। RBI के रूल के तहत रोडवेज कर्मियों के ICICI बैंक के खाते हुए सीज। RBI के रूल के तहत रोडवेज कर्मचारियों के ICICI बैंक में खुले हुए बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए, जिसके बाद आज पंजाब नेशनल बैंक की ओर से नए खाते खोलने के लिए केंद्रीय बस स्टैंड पर कैंप लगाया गया। CBS अकाउंट मैनेजर विष्णु कुमार सिंगल ने बताया कि अजमेर आगार, अजय मेरू आगार और CBS अजमेर के समस्त रोडवेज कर्मचारियों के मुख्यालय के निर्देशानुसार बैंक अकाउंट खोलने के लिए आज PNB की ओर से शिविर लगाया गया है। तीनों आगारों के लगभग 1000 रोडवेज कर्मचारी व अधिकारियों के खाते खोलने की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है, जिसके लिए पंजाब नेशनल बैंक का स्टाफ बस स्टैंड पर खाता खोलने की कार्रवाई में जुटा हुआ है। आज अजमेर आगार में, अजमेर आगार, अजय मेरू एवं CBS आगार के PNB बैंक में सभी कर्मचारियों के खाते खोले जा रहे हैं, क्योंकि ICICI बैंक द्वारा खातों को RBI के रूल के तहत सीज किए जाने के कारण ये नए खाते बैंक में खोले जा रहे हैं। कितने कर्मचारी खाते खोलेंगे? बैंक का कैंप लगा हुआ है, बैंक स्टाफ कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, वो खाते खोल रहे हैं। कम से कम हमारे तीनों डिपो के मिला के 1000 खाते करीब करीब। खाते खुलाने का मेन उद्देश्य क्या होगा? मेन उद्देश्य बताया ना कि RBI के रूल्स के तहत ICICI बैंक के खाते सीज किए जाने के कारण नई बैंक में हमारे खाते PNB में मुख्यालय निर्देशानुसार खोले। अब तक कितने कर्मचारी कंप्लीट हो गए खाते? आज ही कार्यक्रम चालू हुआ है, करीब करीब 60-70 खाते अभी खोले जा चुके हैं। कब तक चलेगा क्यों ये? जब तक कर्मचारियों के सभी के खाते वैसे बैंक में भी जाके खुला है तो वो उनका भी खोल सकते हैं, बैंक वाले जो यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं उनके यहाँ खोले जाएँ, क्योंकि रनिंग स्टाफ है उसमें थोड़ा सा समय लगता है।
एसीबी द्वारा रिश्वत लेते ट्रैप किए गए जिला परिषद के सहायक विकास अधिकारी को एसीबी न्यायालय में किया पेश। टाटगढ़ सरपंच से 16,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार मुकेश काकानी को 12 अगस्त तक भेजा जेल। पूरे प्रदेश भर में सरकारी पदों पर बैठे कर्मचारियों और अधिकारियों को मोटी तनख्वाह से भी संतुष्टि नहीं मिल पा रही और वे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लगातार रिश्वत लेने जैसा कुकृत्य करने से बाज नहीं आ रहे। प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार ऐसे घूसखोरों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाते हुए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी भेज रहा है। बावजूद इसके रिश्वत का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। जिला परिषद में सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत मुकेश काकानी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा बुधवार को 11,000 रुपये की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिए जाने के बाद आज एसीबी इंस्पेक्टर मीरा बैनीवाल ने एसीबी न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 12 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। एसीबी इंस्पेक्टर मीरा बैनीवाल ने बताया कि टाटगढ़ सरपंच चंपा देवी की ग्राम पंचायत में निरीक्षण करने पहुँचे सहायक विकास अधिकारी मुकेश काकानी ने निरीक्षण में कोई कमी न निकालने की एवज में 16,000 रुपये की मांग की थी, जिसमें 19 जुलाई को चंपा देवी की ओर से 5,000 रुपये की रिश्वत दे दी गई। बाकी के 11,000 रुपये देना तय था, जिसे देते वक्त मुकेश काकानी को बुधवार को रिश्वत राशि सहित ट्रैप कर लिया गया। मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। पहले भी कभी लिए या कोई और भी शामिल नहीं? नहीं, वो निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के एवज में इसने 16,000 रुपये 19/7/21 को मांगे थे। उस दिन सत्यापन के दौरान 5,000 रुपये ले लिए थे और कल निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर देने के एवज के अंदर 11,000 रुपये कल लिए थे, जिसे हमने रंगे हाथों ट्रैप किया था। और बाकी सघन तलाशी भी ली थी घर की, कोई अचल संपत्ति या लॉकर की कुछ पता चला? अभी जांच आ रही है। वैसे कुछ नकदी कोई नकदी कोई ज्यादा नहीं मिली। और भी कुछ शामिल है इसके अंदर? नहीं, और कोई सामने नहीं है। मैम, इनके बैंक अकाउंट से भी कुछ डिटेल मिलेगी? मैम, कितने बैंक अकाउंट है इनके? अभी जांच चल रही है हमारी। फाउंडेशन ने स्टेशनरी के माध्यम से बांटी खुशियां, कोरोना वैक्सीन के लाभ समझाए, ट्रिक से पढ़ने की दी टिप्स। मासूम बच्चों के चेहरे पर जब खुशी की मुस्कान होगी, तभी तो देश का भविष्य खुशहाल होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण वे इससे महरूम रह जाते हैं। सामाजिक और शिक्षा कार्यों के लिए समर्पित नीम फाउंडेशन ने उदयपुर शहर से दूर उपलावास नालाफला सरकारी विद्यालय में स्टेशनरी वितरण कर बच्चों के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरी। आसान ट्रिक से पढ़ने के सूत्र भी बच्चों को सिखाए गए और कोरोना वैक्सीन को लेकर जरूरी जानकारी साझा की गई। नीम फाउंडेशन की संस्थापक रोशनी बारोट ने बताया कि कोरोना कालखंड में विद्यालय बंद होने के कारण सबसे अधिक नुकसान बच्चों का हुआ है। वे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादातर बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई करने की सुविधा नहीं है। बच्चों की जरूरत और समस्या को ध्यान में रखकर फाउंडेशन ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलावास में स्टेशनरी का वितरण किया, जिसमें पुस्तकें, कॉपी, पेंसिल, स्केल, रबर, गणित के सवाल हल करने की सामग्री व विज्ञान विषय से जुड़ी सामग्री, नवाचार और मन के भावों को रंगों से उकेरने के लिए रंग चार्ट तथा खाद्य सामग्री शामिल है। फाउंडेशन की ओर से पूर्व में भी 2 बार विद्यार्थियों को आवश्यक सामग्री वितरित की गई थी। फाउंडेशन ने बच्चों और उनके परिजनों से बातचीत की तो ये बात सामने आई कि कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा मिल रही है, ऐसे में बच्चे वास्तविक शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 तरफा संवाद नहीं हो पाता और दूर दराज के क्षेत्रों में तो ऑनलाइन शिक्षा के लिए सुविधाओं का अभाव भी है और नेटवर्क भी पूरा नहीं मिल पाता। नीम फाउंडेशन हमेशा ही आवश्यक मुद्दों पर काम करता है, जिस पर दूसरे लोग कार्य नहीं कर पाते। फाउंडेशन के सदस्य डॉक्टर गोपाल धाकड़ ने बच्चों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य समस्याओं और इसके उपचार तथा कोरोना वैक्सीन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी
और टीकाकरण के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया। सदस्य इंद्र धाकड़ ने लोगों से बात करके स्थानीय समस्याओं को जाना और उनके समाधान के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। संस्था प्रधान भंवरलाल पालीवाल ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से नीम का पेड़ छाया देता है और स्वास्थ्यवर्धक है, उसी प्रकार नीम फाउंडेशन भी जनसेवा के लिए कार्य कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की अध्यापिका माला भाट और सुरता पारगी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए फाउंडेशन का उत्साहवर्धन किया। फाउंडेशन की तरफ से आज हम पई गांव के उपलावास नाला का फला में आज तीसरी बार आए हैं और पहले भी हमने मास्क, चप्पल और ज़रूरत की चीज़ें दी है और उसके बाद भी जो ज़रूरत थी और हम नहीं दे पाए थे तो हम दोबारा आए थे और आज फिर यहाँ हमारे माला जी और सर और सभी स्टाफ के कहने पे यहाँ पे जो बच्चों को ज़रूरत थी वो सब स्टेशनरी की चीज़ें हम लेके आए हैं, जैसे कि बुक्स, किताबें और ऑल स्टेशनरी, मतलब सारी चीज़ें हम आज बच्चों को आज हमने प्रोवाइड कराई है। इसलिए दो बार की तरह इस बार भी रोशनी मैडम यहाँ पधारे हैं। हमारे विद्यालय तो बंद है पर हम बाहर ये वर्क फॉर आओ घर से सीखे के तहत कार्यक्रम चला रहे हैं, तो स्कूल से थोड़ा दूर है पर यहाँ आके टेकरी पे बैठे हुए हैं और बच्चों को बहुत सारी चीज़ें इनके द्वारा प्राप्त की गई, जैसे बुक्स है, पेंसिल है, रबर है और इसके साथ में कलर, चार्ट वगैरह और खाद्य सामग्री है। तो मैं इनका विद्यालय परिवार की तरफ, साथ ही हमारे इन प्यारे बच्चों की तरफ से विशेष रूप से तह दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और ऐसे ही आते रहे, हमारे बच्चों को ऐसे ही लाभ मिलता रहे आपका। बिल्कुल। नीम फाउंडेशन की अध्यक्षा और उनकी टीम के द्वारा हमारे स्कूल के अंदर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलावास पाई के अंदर, जो कि उदयपुर मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर बहुत ही इंटीरियर में पड़ता है, वहाँ पे आप लोग पधारे और ये आपका तीसरी बार आगमन है। पहले दो बार भी आप लोग पधारे थे, संयोगवश मैं उस टाइम यहाँ नहीं था, आज तीसरी बार में आपसे परिचय हुआ है। आप लोगों का प्यार और स्नेह देख करके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो इन बच्चों को सहायता पहले भी मास्क और चप्पल और ये जो अभी आज बहुत सारी चीज़ें लेके आए, स्टेशनरी का बहुत सारा सामान, खाने की बहुत सारी चीज़ें, कॉफियाँ, चाट, इतनी सारी चीज़ें जो हमारे बच्चों को वास्तव में बहुत ज़्यादा नीड थी। बेसिकली तो हम उदयपुर से हैं, बल्कि यहाँ उदयपुर से काफ़ी दूर आए हैं, 40 किलोमीटर दूर अलसीगढ़ नाला फला कोई गाँव है, वहाँ जो नीडी बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है पेन पेंसिल और जो भी स्टेशनरी का आइटम है और फूड है, काफ़ी बच्चे इनमें ऐसे हैं जो माल न्यूट्रिशन के शिकार भी हैं, उनको थोड़ा हेल्थ के बारे में थोड़ा समझाया और जितना हेल्थ अवेयरनेस के बारे में हो सकता है उतना ही। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोनीत पार्षद व जन प्रतिनिधि मिले पुलिस अधीक्षक से। दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह की अर्धर्मिता के खिलाफ शिकायत कर कार्रवाई की मांग। गुरुवार को भारतीय युवा कांग्रेस अजमेर शहर जिलाध्यक्ष सैयद एहसान यासिर चिश्ती और नगर निगम में मनोनीत पार्षद विपिन बैसिल व पार्षद मोहम्मद शाकिर के साथ राजा चिश्ती व अन्य लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर 27 अप्रैल के मामले में द्वेषतावश व अधर्मिता के तहत दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह द्वारा दो मीडियाकर्मियों व जनप्रतिनिधि पार्षद मोहम्मद शाकिर व राजा चिश्ती के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे में निष्पक्ष जाँच कराकर कार्रवाई की मांग की है। यासिर चिश्ती ने बताया कि थाना प्रभारी दलबीर सिंह शिकायतकर्ताओं की शिकायत दर्ज न कर उल्टा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, जो उनकी अधर्मिता कार्यशैली को प्रदर्शित करता है। घटना अप्रैल माह की है, जब जन कर्फ्यू के दौरान एक मकान में की जा रही तोड़फोड़ से उड़ने वाली मिट्टी के चलते क्षेत्र के अस्थमा रोगियों और कोरोना मरीजों को होने वाली परेशानी को लेकर जब पुलिस विभाग में शिकायत दी तो उल्टा शिकायतकर्ताओं की आवाज़ उठाने की बजाय उनकी आवाज़ को दबाने के लिए थाना प्रभारी ने मिलीभगत कर शिकायतकर्ता और मीडियाकर्मियों के साथ जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध झूठे, बेबुनियाद और निराधार मुकदमे दर्ज कर लिए। लिहाजा पुलिस अधीक्षक मुकदमा नंबर 91/2021 की निष्पक्ष जांच कराकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वास्तविकता उजागर करें।
अभी आज से 4 महीने पहले कोरोना का जो काल चल रहा था उसके अंदर जन कर्फ्यू लगा हुआ था। उस दौरान दरगाह बाज़ार के अंदर एक मकान के अंदर लगातार काम चल रहा था, उन्होंने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। और उसके बाद के अंदर, क्योंकि उस वक्त के अंदर कई आसपास के क्षेत्रवासी थे जो एस्थमेटिक प्रॉब्लम थी उनको, उन लोगों ने इस चीज़ के अंदर थाने के ऊपर भी रिपोर्ट दी। हमारे कुछ कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों, उन्होंने जाकर के उनसे मांग करी कि भाई आप लोग जो हैं वो अभी कार्य ना करें, इस आपदों को आप अवसर बना रहे हैं। फिलहाल इस बात के ऊपर वहाँ पे CI साहब ने काम रुकवाने के बजाय उल्टा जो लोग शिकायत करने गए उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया। यहाँ तक कि जो दो उस वक्त के अंदर जो सर मीडिया कर्मी थे उसमें 2 मीडिया कर्मियों ने ऊपर जाकर के कवरेज भी किया कि हाँ भाई ऊपर जो है इस तरीके से तोड़फोड़ चल रही है। अब जो है जो तोड़फोड़ चल रही है उस तोड़फोड़ के मकान के अंदर जो कि पूरे 3 मंजिल को वो लोग नीचे उतार रहे थे उसके अंदर उन लोगों ने अपने मामले को दबाने के लिए उल्टा मुकदमा ये दर्ज कर दिया कि हमारे मकान में घुस करके हमारे लेबर्स के साथ में मारपीट करी और यहाँ पे तोड़फोड़ करी, TV वगैरह तोड़ दी। अब ये समझने वाली बात है, टूटे हुए मकान में कोई क्या तोड़फोड़ करेगा। फिर आज 4 महीने बाद के अंदर दरगाह थाना CI ने इस मामले के अंदर मुकदमा लिया। अब जो अहम बात है वो अहम बात ये है कि लगातार 4 महीने से हमारे जो पार्षद हैं, पार्षद महोदय वो क्षेत्रवासी और हमारे यूथ कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं राजा चिश्ती, ये इस चीज़ के अंदर मांग कर रहे हैं। बीच में भी SP साहब के पास में आकर के इन्होंने दिया कि साहब ये इस तरीके से गलत मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, जो कि हम लोग उस वक्त में रोड पे ही खड़े हुए थे और वहाँ से ही हम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। अब क्या वक्त ऐसा आ गया है कि स्वतंत्र मीडिया को दबाने के लिए और जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को दबाने के लिए इस तरीके के प्रशासनिक अधिकारी मुकदमा दर्ज करके इनकी आवाज़ को दबाएंगे। हमारा विरोध है इस बात के ऊपर लेकर के कि इन्होंने जो मीडिया 2 मीडिया कर्मियों को भी इस FIR के अंदर इन्होंने नाम बताया कि 2 मीडिया कर्मी थे, जो कि वो मीडिया कर्मी सिर्फ वहाँ कवरेज करने गए थे, 2 मीडिया कर्मी, बाकी जो लोग थे वो सब नीचे खड़े हुए थे। ये सारा मामला CCTV फुटेज के अंदर रिकॉर्ड है। इसके बाद जब दरगाह थाना CI को ये बात कही जाती है कि आप CCTV फुटेज निकालें, तो वो क्यों CCTV फुटेज नहीं निकाल रहे हैं। इसके अलावा भी दरगाह क्षेत्र में कई ऐसे मामले हुए हैं जिसके अंदर जो ऐसे लोग हैं जिनका कोई कसूर ही नहीं है, उन्होंने उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, लगातार जनता के हित में आवाज़ उठाते रहते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकदमे के अंदर ये दलबीर सिंह जी जो हैं दरगाह थाने के CI, ये मुकदमे में किसी का नाम डलवा करके लोगों की आवाज़ को दबाते हैं। आज हमारा विरोध है इस बात के ऊपर। हम SP साहब के पास में आए हैं इस बात की शिकायत लेकर के कि अगर पुलिस प्रशासन में, जिनके ऊपर जनता का पूरा विश्वास होता है, अगर पुलिस प्रशासन में ऐसे लोग लोगों के साथ में मिलकर के गलत कामों को दबाने के लिए स्वतंत्र मीडिया और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ में अगर मुकदमा दर्ज करेंगे तो युवा कांग्रेस इसके अंदर आवाज़ उठाएगी। और आज मैं इसको यहाँ पे बोल करके जा रहा हूँ, अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की गई, यही सड़कें हैं, यही यूथ कांग्रेस है और यही दलबीर सिंह जी CI है, हम लोग खुला इनके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करेंगे। जनता के फेवर में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, हमारी आवाज को, मीडिया की आवाज को ये नहीं दबा सकते। जिस तरीके से आपको विदित है कि हमारे साथी पार्षद शाकिर शाह साहब के ऊपर विगत दिनों एक झूठा मुकदमा, अनर्गल एक केस दर्ज हुआ, इस संदर्भ के अंदर आज हम लोग माननीय SP साहब के पास आए थे। आपको कारणवश कहीं जाना पड़ा तो आपसे दूरभाष पे बात हुई और उन्हें दूरभाष पे आश्वस्त किया है कि मैं इसकी पूरी निष्पक्षता से जाँच कराऊँगा और हम लोगों को हमने मांग करी है कि ढंग से इसका अनुसंधान किया जाए, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि जब किसी बात की आवाज़ उठाता है, जब जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की बात उठाता है तो उसके ऊपर अगर झूठा इस तरीके से मुकदमा हो, और सबसे बड़ी बात है क्या, इट इज़ समथिंग वेरी डिस्गस्टिंग कि एक मीडिया 2 मीडियाकर्मियों के ऊपर भी केस दर्ज हो गया, तो उसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। हम लोग ये मांग करते हैं कि जिला प्रशासन इसकी पूरी निष्पक्षता से जाँच कराए, अनुसंधान कराए, और अगर इसके अंदर ये
किसी भी प्रकार से दोषी नहीं पाए जाते हैं तो इसके अंदर FIR लगाई जाए। अच्छा, सरकार आपकी है अशोक गहलोत जी को? देखिए, ये सरकार बेशक हमारी है, जब भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि किसी भी दबे कुचले की किसी भी तरह से अनर्गल उसके ऊपर झूठे मुकदमे ना हो, जिससे सरकार की जो मंशा है कि हर एक को न्याय मिले और वो उसकी मंशा लोगों तक पहुंचे और आम आवाम इस अजमेर के अंदर खुश रह सके, अमन चैन से रह सके। पुष्कर में देवनगर रोड पर निजी मोबाइल कंपनी के टावर लगाने को लेकर क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त। आबादी क्षेत्र में टावर लगने से क्षेत्र में बीमारी फैलने का बताया खतरा। पुष्कर के देवनगर रोड पर निजी मोबाइल कंपनी का टावर लगाने को लेकर क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त हो गया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि ग्राम बासेली क्षेत्र की जमीन पर एक निजी मोबाइल कंपनी टावर निर्माण का कार्य शुरू कर रही है। निजी मोबाइल कंपनी के निर्माण ठेकेदार के प्रतिनिधि बता रहे हैं कि नगर पालिका ने फुटपाथ पर टावर लगाने की अनुमति दी है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि आबादी क्षेत्र में टावर लगना सही नहीं है, इसके लग जाने से रेडिएशन बढ़ेगा जिससे क्षेत्र में बीमारियां फैलने का खतरा उत्पन्न होगा। जानकारी मिलते ही ग्राम बासेली सरपंच ओम प्रकाश पंवार, पंचायत समिति सदस्य हंसराज वैष्णव, पार्षद धर्मेंद्र नागोरा सहित अन्य लोगों ने मौके पर पहुंचकर टावर लगाने को लेकर विरोध जताया। दोहरा है या एयरटेल वालों ने टावर लगा, एयरटेल वाला है ना, एयरटेल का टावर लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी ये नगर पालिका में जमीन है, नगर पालिका से हम लेके आए हैं NOC, लेकिन ये नगर पालिका में तो जमीन ग्राम पंचायत देवनगर से इनको ये इसके लिए दी थी, पार्किंग के लिए, तो पार्किंग के लिए दी तो वापस ये कह रहे हैं कि साहब हमें तो NOC मिल गई है, ये तो ग्राम पंचायत, अब नई ग्राम पंचायत बनी है बांसेली, उसकी जमीन है। किसने इनको परमिशन दी इसके बारे में इन्होंने कुछ बताया क्या? नहीं, हमें नहीं बताया, इन्होंने तो ये बताया कि हमने तो नगरपालिका से परमिशन मिला है। किसने दी है नगरपालिका से? ये हमें नहीं मालूम है, और ना वो कागज़ दिखा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं साहब हमारे मोबाइल में फ़ोटो देख लो, हम फोटो को नहीं मानेंगे, हम तो लिखित में मानेंगे, किसी अधिकारी के साइन मानेंगे किसने दी या किसने नहीं दी। तो टावर लग जाएगा तो आगे क्या करोगे? नहीं साहब, टावर लगने से तो यहाँ पे बहुत ही ये पूरी बस्ती है, दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, इधर सबको नुकसान होगा, बीमारी फैलती है टावर से, पूरी आबादी क्षेत्र है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में दंडवत करता हुआ पहुंचा अकीदतमंद। लुधियाना के परमजीत सिंह ने किसानों के लिए की विशेष दुआ। लुधियाना के सरदार परमजीत सिंह ने गुरुवार को अपने साथियों के साथ सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अजमेर के दिल्ली गेट से दरगाह तक दंडवत चलकर अपनी अकीदत का नजराना पेश किया। सरदार परमजीत सिंह ने बताया कि पूरे देश में कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और किसान भाई जो काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगे जल्दी पूरी हो, आंदोलन जल्दी समाप्त हो, ऐसी दुआ मांगी है। परमजीत सिंह ने कहा कि वे 23 सालों से दरगाह आते रहे हैं। परमजीत अजमेर पहुंचकर दंडवत करते हुए दरगाह तक जाते हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब में उनकी गहरी आस्था है, वो आस्था ही उनको यहाँ तक खींच कर लाती है। परमजीत ने कहा कि लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार सकारात्मक रुख अपनाए, देश में अमन चैन, आपस में सभी का भाईचारा बना रहे, इसके लिए दंडवत चलकर बाबा के दरबार में ज्यारत की और दुआ मांगी है। सर, हम दिल्ली गेट से चल गए हैं। कितने सालों से आपका नाम? सर, मेरे को आते हुए 23 हो गया। क्या खास मन्नत मुराद नहीं है? खास मन्नत यही है कि जो हमारे देश में कोरोना चल रहा है उसका खात्मा हो, सबको अमन शांति हो, भाईचारा बना रहे, और जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है उसके लिए भी फिराद करेंगे, सबका भला हो, भाईचारा बना रहे, सबका रोजगार चले, यही फिराद मन्नत मांगे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com सच के साथ।